बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी इंग्लिश लर्निंग कोर्स में नए लेसन को आज हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा लेसन जो है वो है 51 लेक्चर नंबर है, और इसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक पढ़ना है कि हमारे पास हुक्मिया फिकरात जो हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हुक्मिया फिकरात, जिसमें किसी को आप हुक्म देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह का जो सेंस होता है उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो जब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छोटी जो उसके बारे में मेन गाइडलाइन है वो देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं, सबसे पहले उसकी तारीफ आप करें, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि किसी काम के करने का हुक्म किया जा रहा है। क्या है कि किसी काम करने का हुक्म, तो ये मेन चीज़ है, तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे कहते हैं। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस कहते हैं। इसकी इलामत क्या है, जैसा कि करो, पढ़ो, लिखो, तो कोई मैं कहता हूँ कि ये काम करो, या फिर किसी को कहते हैं कि ये किताब पढ़ो, सबक पढ़ो, या फिर खत लिखो, सबक लिखो, कुछ भी लिखो, तो ये क्या है, किसी को भी आप कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं, अपने किसी छोटे भाई को कहते हैं, या बाप अपने बेटे को कहता है, तो व्हाट्सएवर, तो जो उसको एक अंदाज होता है उसको इम्पेरेटिव कहते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, बी, मुस्बत फिकरात के लिए बी, यानी कि उसमें सिर्फ मुस्बत बात है कि ये काम करो, ये मुस्बत है, ये काम ना करो ये मनफी है, तो मनफी में क्या होगा, नाट बी। सिंपल फिकरात हैं, सादा फिकरात जिसको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसमें हम बी का इस्तेमाल करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हुए। और जब हमारे पास फिकरा मनफी है जिसमें हुक्मिया कोई हुक्म दिया गया है और किसी काम से मना किया गया है, तो उसमें नॉट बी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कायदा फेल अमर मारूफ। पहले मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हों, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा जो हमने पढ़ना है कायदा फेल अमर मारूफ, यानी कि फेल अमर का मतलब क्या है, जिसमें हुक्मिया फिक्रे हैं, और मारूफ का क्या मतलब है, पैसिव वॉइस। फेल अमर मारूफ बनाने का कायदा ये है कि जुमले के शुरुआत किसी वर्ब यानी फेल से किया जाता है, जैसा कि डू, उसमें हम जो फिकरा होता है हमारे पास नॉर्मली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, फेल अमर जो होता है, अमर का मतलब हुक्म, हुक्मिया फिकरात में वर्ब शुरू में होता है, यानी कि वर्ब शुरू में लगाने से आपका फिकरा हुक्मिया बन जाता है जिसमें ऑर्डर करना होता है। जैसा कि एक मिसाल दी गई है, रीड दिस बुक, अब रीड चूँकि हमारे पास वर्ब है, रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ो, इसका मतलब क्या है, ये किताब पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, तो एक ही बात है। तो कायदा फेल अमर मजहूल, यानी कि आपके पास अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और उसको आपने पैसिव वॉइस यानी कि अमर मजहूल में लेके जाना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो हमने देखना है, ठीक है जी। तो सही जी, यहाँ पे विजिबल है, तो इसको हमने क्या है, नंबर वन सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यानी कि हमने पैसिव वॉइस में जब बदलना है, फेल अमर मजहूल बनाने के कायदा ये है कि जुमले की शुरुआत में लफ्ज़ लेट लगाया जाता है। तो जब आपके पास हुक्मिया फिकरा है, जैसा कि ऊपर हमने देखा, रीड दिस बुक, अब हमने इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में लेके आने के लिए सबसे पहले आपने लेट
लेके आना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले आप लेट लगाएंगे और उस फिक्रे में जो ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगी और आगे चल के, और फिर मामन फेल मुसबत यानी कि फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी और मनफी जुमले अगर हों तो आपने नॉट बी का इस्तेमाल करना है। बाद अजा वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा अगर नॉट बी का यानी कि नेगेटिव आपके पास है तो। दूसरे नंबर पे आपने जो कायदा है इसमें आगे चल के हम ये फॉर्मेट देखेंगे, अभी इतना ही आप याद रखना है कि सबसे पहले लेट और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगानी है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद फेल की मुस्बत फॉर्म यानी कि पहली फॉर्म जो है, और मनफी जुमलों में नॉट बी आपने लगाना है यानी कि बी और सिंपल फिकरात में और मनफी फिकरात हैं तो उनमें नॉट बी का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। दूसरा कहता क्या, गुजारिश और इसलाह के मफहूम के साथ अमर बनाने के लिए जुमले की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, कि आपके पास हुक्मिया फिकरात जो हैं उसमें कोई इसलाह की गई है, कोई गुजारिश की गई है, बड़ी मुअद्दबाना अंदाज से बात की गई है तो उसमें आप आर्डर नहीं कह सकते बल्कि एक एक रेस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू में बदलते हैं और हुक्म का मफहूम बताने के लिए यू आर आर्डर टू। तो जब आपके पास आर्डर वाली कोई लहजा हो तो उसमें यू आर आर्डर टू से किया जाता है। इसके बाद मुस्बत जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसमें मनफी नहीं है, किसी चीज़ से बात से काम से मना नहीं किया गया तो उसको जो है मुस्बत फिक्रा कहेंगे, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और अगर मना किया गया है तो उसको क्या कहेंगे मनफी, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और नॉट बी का इस्तेमाल होगा। और मनफी जुमलों में लफ्ज़ नॉट लिख कर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाते हैं फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें काइंडली प्लीज़ जैसे अल्फाज को नहीं लाया जाता और ना ही मामन फेल बी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों कैदों को इख्तसार के साथ नीचे मुलाहिदा करते हैं। ठीक है जी, ये अब हमारे पास आ जाए कायदा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने इस्तेमाल करना था लेट का इस्तेमाल, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यू आर आर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मिसालें इसकी कुछ देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और इनकी पैसिव वॉइस हमने बनानी है। स्टडी द बुक, इसमें हुक्मिया है तो इसमें हम क्या करेंगे लेट द बुक बी स्टडीड। इसके बाद अगला देख लेते हैं फिकरा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास फिकरा है राइट द लेसन, इसमें भी हुक्मिया है तो लेट द लेसन बी रिटन, लेट द लेसन बी रिटन। और दूसरे नंबर पे इसके नेक्स्ट जो है काइंडली हेल्प मी, जैसा कि इसमें रिक्वेस्ट है मुअद्दबाना अंदाज किया गया है तो इसमें है काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो जब रिक्वेस्टेड टू की बात आएगी तो आपने ये बात याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हमने ऊपर देखा सिंपल फिकरात थे तो उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, तो जब रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर इस तरह का होगा तो टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, इसके अगले फिकरात देख लेते हैं। प्लीज़ स्लीप, इसमें भी रिक्वेस्ट का एक एलिमेंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के टू लगा है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। डू नॉट बॉदर एनी वन, तो इसमें क्या है मनफी फिकरा है तो इसमें डू नॉट बॉदर एनी वन, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें एक एडवाइस की गई है, एडवाइस का एक एलिमेंट है, इसमें हुक्मिया नहीं है। लेट द एनी वन नॉट बी बॉदर्ड, लेट द एनी वन नॉट बी बॉदर्ड, तो इसके बाद बी है, बी के बाद थर्ड फॉर्म है।
डू नॉट ईट द फूड, इसमें मना किया गया है और हुक्मिया एलिमेंट है डू नॉट ईट द फूड, लेट द फूड नॉट बी ईटन, क्योंकि इसमें मनफी फिक्र आता है तो नॉट बी का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया। प्लीज़ डू नॉट पनिश, तो इसमें भी मनफी बात है तो नॉट बी का इस्तेमाल हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पनिश, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पनिश, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, काइंडली डू नॉट पनिश, तो इसमें काइंडली का एलिमेंट है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पनिश, यहाँ पे था प्लीज़ डू नॉट, यहाँ प्लीज़ का है, यहाँ पे काइंडली है, तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड तो यू आर, यहाँ पे काइंडली है तो यहाँ पे एडवाइज का है, तो मैच करना चाहिए, यानी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट था तो उसमें डाल दिया, काइंडली है तो एडवाइज में आ जाता है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंस रखना है। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हमने ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हुक्मिया जुमला की तारीफ करें कि वो कौन से फिक्रात है जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और इसके बाद मारूफ व मजहूल के बनाने का कायदा बताएं। ठीक है, मजहूल क्या होता है पैसे वाइस, और मारूफ क्या होता है सिंपल, इसका मामन फेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ होते हैं, बी और नॉट बी। हुक्मिया जुमले के मुस्बत व मनफी जुमलों के बनाने का तरीका जो हमने फार्मेट कायदा सीखा उसके बारे में आपने देखना है। बनाने के तरीके के मुताबिक पहले हुक्मिया मारूफ बनाने और उनको मजहूल में तब्दील कीजिए, तो पहले आपने हुक्मिया बनाने और उनके फिर पैसे वाइस बनाने। हुक्मिया मजहूल का तर्जमा इस तरह किया जाता है, अब ये हमारे पास है, किताब पढ़ा जाए, सबक लिखा जाए, तुम से मदद की दरख्वास्त की जाती है, तुम से सोने की गुजारिश की जाती है, किसी को परेशान ना किया जाए, खाना ना खाया जाए, आपसे सज़ा ना देने की दरख्वास्त की जाती है, तो ये आपने ट्रांसलेट करना है सिंपल। आपको धक्का ना देने का मशवरा दिया जाता है, इन मिसालों की रोशनी में आप मज़ीद मिसालें बताइए और आप उसका तर्जमा अंग्रेज़ी में कीजिए, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस तरह के फिक्रात भी बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारा यहाँ पे आज का लेसन ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।